नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आइसक्रीम जो सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इसमें ना ही हम दूध डालेंगे, ना ही चीनी और ना ही मिल्क पाउडर और ना ही क्रीम और ना ही बिस्किट्स। फिर भी बहुत ही टेस्टी लगेगा ये आइसक्रीम। इसे बनाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले ले यहाँ पर पका हुआ केला। तो यहाँ पर मैंने 3 पके हुए केला को लिया है और केला को क्या करें कि इस तरह से काट लें। केला में बहुत सारे आयरन होते हैं और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो केला को काटने के बाद 7 से 8 घंटा के लिए इसे फ्रीजर में रख दें। और तब क्या करें कि यहाँ पे ले काजू को। यहाँ पे देखिए मैंने टुकड़े काजू को लिया है, आप कैसा भी काजू को ले सकते हैं। क्योंकि काजू को हमें ग्राइंड ही करना है, तब क्या करें कि इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद क्या करेंगे कि इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें ताकि बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाए, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से पीस सकें। तो इसे साइड में रखें। और यहाँ पे लें खजूर को। यहाँ पे मैंने 5 से 6 खजूर को लिया है और खजूर को क्या करें कि इस तरह से इसे फाड़ने के बाद इसके बीज को इस तरह से निकाल लें। और ये जो वाइट वाला हिस्सा है आप चाहे तो इसे भी निकाल लें। आपको तो पता ही होगा कि खजूर में कितने सारे फाइबर होते हैं और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और इससे खून भी बहुत ही बनता है। तो आप खजूर रोज भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बीज को निकाल लिया है, इसी तरह सारे बीज को निकाल लें। खजूर जो आँख और स्किन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये बच्चों और लेडीज़ों के लिए बहुत ही फायदा है। खजूर जो है बोन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैल्शियम होते हैं। और तब क्या करें कि इसे साइड में रखें। और यहाँ देखिए जो हमारा काजू है बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है। तब एक मिक्सी का जार लें और इसी में सारे काजू को डाल दें, पानी के साथ ही डालें। और इसे अब बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, बहुत ही बारीक इसका पेस्ट बना लें। और यहाँ देखिए मैंने इसे बहुत ही बारीक पीस लिया है, ये बिल्कुल दूध जैसा हो गया है, ये काजू का दूध बन करके रेडी है। ये देखिए बहुत ही बारीक इसे पीसें। और तब क्या करें कि इसमें डाल दिए खजूर को जिसके बीज को हमने निकाला था। और इसी के साथ डाल देंगे ये है कोकोआ पाउडर। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब कोकोआ पाउडर डाल दें और कुछ बूंदे डाल देंगे वेनिला एसेंस के, ये फ्लेवर के लिए है, अगर है तो डालें वरना इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और क्या करेंगे कि इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लें, बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड करें। और यहाँ देखिए मैंने इसे फिर से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए अभी बहुत ही थिक है लेकिन हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। और तब क्या करें कि इसमें डाल देंगे ये केला, जिस केला को हमने फ्रीजर में रखा था। इसे हमने देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है, ये जो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है ताकि ये बहुत ही आसानी से पीस जाए। तब क्या करें कि जिसमें हमने खजूर और काजू को पीसा था उसी में इस केला को भी डाल दें। आप इस आइसक्रीम को बना करके बच्चों को भी दें, बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ के आइसक्रीम को बनाया है। और यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है जो हमारा आइसक्रीम है। तब क्या करें कि कंटेनर लें और इसी में आधे आइसक्रीम को डाल दें। और इसी में क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाल देंगे ये चॉकलेट चिप्स है जो बच्चों का फेवरेट है। तो चॉकलेट चिप्स डालने के बाद इसे इस तरह से मिक्स कर लें। और फिर मिक्स करने के बाद क्या करें इसके ऊपर से जो आइसक्रीम का बैटर बचा है इसे डाल दें। ऐसा आइसक्रीम आपने पहले कभी नहीं खाया होगा तो इस आइसक्रीम को एक बार तो घर में ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे सारे आइसक्रीम को डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा डाल दें ये चॉकलेट चिप्स है जो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या करेंगे कि इसे 7 से 8 घंटा के लिए फिर से फ्रीजर में रख दें ताकि बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। 7 से 8 घंटा के बाद देखिए जो हमारा आइसक्रीम है बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। और एक बाउल से आप इसे निकाल लें और अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप है तो आप उससे निकालें, वरना आप किसी भी बाउल से भी इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा जो है आइसक्रीम जमा है। और ऊपर से डाल दें थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आइसक्रीम बना है। और देखा ना सारे घर के सामानों से ही
तो मैं अभी आपको खा करके दिखाती हूँ कि जो हमारा आइसक्रीम है ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी और कितना क्रीमी बना है। बिना क्रीम, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर और बिना बिस्किट, बिना चीनी का ये हमारा जो आइसक्रीम है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। आप इसे खुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। तो आप इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें।